आमतौर पर कहा जाता था कि चुनाव जीतने के लिए बाहुबल का होना जरूरी होता था, इसे जीत की गारंटी के तौर पर देखा जाता था। लेकिन निर्वाचन आयोग पूरे मूड में है कि इस बार चुनाव में किसी भी तरह का कोई धांधली ना हो। ऐसे में अब चुनाव आयोग की पूरी नजर धन बल वाले उम्मीदवारों पर है, नोट के बल पर कोई चुनाव को प्रभावित न कर सके। इसके लिए विभिन्न स्तरों पर निगरानी की ऐसी व्यवस्था की गई है जिसे भेद पाना धन बलियों के लिए आसान नहीं होगा। पुलिस मुख्यालय द्वारा इस संबंध में सभी जिलों के DM, SP के साथ रेंज IG, DIG को कार्रवाई के लिए दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। अमूमन चुनाव के नज़दीक आने पर मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए धनबली अपना खेल शुरू कर देते हैं। यही वजह है कि इस बार ऐसे मामलों में निगरानी की विशेष व्यवस्था की गई है। जिस किसी उम्मीदवार द्वारा चुनाव में ज़्यादा खर्च करने की सूचना मिलेगी उन पर कड़ी निगरानी रखी जाएगी। मतदान के आखिरी 3 दिनों में ऐसे उम्मीदवारों को वीडियो सर्विलांस में रखा जाएगा, यानी उनके साथ प्रशासन की टीम वीडियोग्राफर के साथ मौजूद होगी और उनकी हर एक गतिविधि पर कैमरे की नज़र रहेगी। बता दें कि धनबल वाले उम्मीदवारों पर चुनाव के आखिरी दिनों में जो टीम नज़र रखेगी उसमें अधिकारियों के साथ पुलिस और अर्धसैनिक बल भी रहेंगे। ऐसी टीम में अर्धसैनिक बल को शामिल करने की रणनीति बनाई गई है। साथ ही साथ धन बल के लिहाज से राज्य के 243 विधानसभा सीटों में 91 संवेदनशील घोषित किए गए हैं और अन्य बिंदुओं को ध्यान में रखकर संवेदनशील विधानसभा सीटों को चिन्हित किया गया है। इन संवेदनशील विधानसभा क्षेत्रों में खर्च पर नज़र रखने के लिए अलग से कई व्यवस्था की गई है, जिसमें चुनाव के आखिरी क्षणों में 24 घंटे निगरानी की व्यवस्था भी शामिल है। धन बल, शराब और दूसरे माध्यमों से चुनाव प्रभावित न हो सके इसके लिए सभी 243 विधानसभा क्षेत्रों में फ्लाइंग स्क्वाड की हर टीम में वरीय कार्यपालक दंडाधिकारी और वरीय पुलिस अधिकारी के साथ वीडियोग्राफर और सशस्त्र बल की प्रतिनियुक्ति की गई है। फ्लाइंग स्क्वाड विधानसभा क्षेत्र में उम्मीदवारों और उनके करीबियों की गतिविधियों पर नजर रखेगा। वहीं मजिस्ट्रेट और पुलिस बल के साथ स्टैटिक सर्विलांस टीम भी मुस्तैद है। इसके साथ ही उम्मीदवारों के चुनावी खर्च पर नजर रखने के लिए इस दफे कई स्तर पर कार्रवाई की गई है। विधानसभा असिस्टेंट एक्सपेंडिचर ऑब्जर्वर तैनात किए गए। इसके अलावा अलग अलग जिम्मेदारियों के साथ कई टीमों का गठन किया गया है।